नमस्कार, तहलका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मोडियम का हस्तांतरण आज दूसरे दिन भी लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। बताते चले कि सोशल मीडिया पे इनके पक्ष और विपक्ष में जम के टिप्पणी हो रही है। बताते चले कि मऊ का पहला डीएम है जो इस तरह की टिप्पणी का सामना करना पड़ रहा है। मऊ डीएम के तबादले का सबब खोजते रहे लोग। जी हाँ, 19 माह कार्यकाल में डीएम ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो चर्चा का विषय बना रहा। इन दिनों जो सोशल मीडिया पर जम के लोग अपना अपने तरीके से भड़ास निकाल रहे हैं। शासन द्वारा जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के स्थानांतरण के बाद सोशल मीडिया में चर्चाओं का दौर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। लोग स्थानांतरण के पीछे तमाम कयास लगाते हुए अनेक कारणों की चर्चा कर रहे हैं। सभी ने जनपद में तमाम विभागों में व्याप्त अनियमितताओं की शासन में शिकायत को इस तबादले का जिम्मेदार माना जा रहा है। मऊ के मनरेगा में करोड़ों का घोटाला हो या फिर महामारी कोविड 19 पर लगाया गया तमाम विफलता बताया जा रहा है। सभी ने इसे अपने अपने अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। लोगों का यह भी दावा है कि 19 माह के कार्यकाल में लगभग 1.5 दर्जन बार खंड विकास अधिकारी का तबादला और उप जिलाधिकारियों का लगातार स्थानांतरण भी लोगों में और शासन की निगाह में खटकता रहा। 2 उप जिलाधिकारियों से तहसील का चार्ज छीनते हुए ब्लॉकों की कमान सौंपने की भी शिकायत को भी लोग अपने तरीके से देख रहे हैं। फेसबुक से व्हाट्सएप तक लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी का यही आलम है कि इन्हें प्रतीक्षा कर दिया गया है। तहलका न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों को, उत्तर प्रदेश के देश के सभी दर्शकों को एक बेबाक चैनल जो सच्चाई की पड़ताल ही नहीं करता, सच्चाई की पड़ताल करके उसे आईने के तौर पर देश और समाज के सामने रख देता है, उसके तमाम दर्शकों को हम निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। खुद देखिए, अपने मित्रों और दोस्तों को इसे दिखाइए। तहलका न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं तहलका न्यूज के माध्यम से आप सभी के बीच सोनी सिन्हा, महुआ जिला टॉप सिंगर। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम सबको आशीर्वाद दें, तहलका न्यूज को प्यार दें और सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू।